हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास एक लोकल टीवी है, इस लोकल टीवी का प्रॉब्लम आज दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। और तब तक मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पर जो नया दोस्त है वो दोस्त को बोलूँगा जो मेरा चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली इसका इस पीसीबी का प्रॉब्लम क्या है वो बता दूँ। इसका जो पावर सेक्शन पूरी तरह से बैठ गया है। और इसका जो फ्यूज होता है, ये वाला जो फ्यूज होता है, फ्यूज देख सकते हैं इसका जल चुका है। ये वाला फ्यूज खराब होने के कारण फ्यूज खराब हुआ है, मतलब हमारा इनपुट सेक्शन पे कोई पार्ट शॉर्ट हो गया है, जो शॉर्टेज के कारण ही हमारा सिस्टम पे ये वाला फ्यूज उड़ता है। इसके लिए दोस्तों क्या देखना पड़ेगा, पहले तो हम लोग देखेंगे जो सिस्टम होता है, सिस्टम पे शॉर्ट कहाँ है। मतलब दोस्तों जहाँ पे शॉर्टेज होगा वो सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। पहले तो दोस्तों एक काम कीजिए, मीटर पे जो बाजार मूड होता है जो उस पे रख लीजिए। और रखने के बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, मीटर को क्वांटिटी पे चेक करूँगा। ये जो हमारा पावर कैपेसिटर होता है, मेन कैपेसिटर होता है, वो वाला फिल्टरिंग कैपेसिटर, उस पे चेक करूँगा। तो देखिए हमारा बाजार बाज रहा है, मतलब दोस्तों हमारा पूरी तरह से सिस्टम शॉर्ट होके बैठ गया है। उसके लिए दोस्तों एक एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। पहले तो इनपुट सेक्शन से चेक करूँगा, जो हमारा एक छोटा सा कॉयल भाया करके चारों रेक्टिफायर को भाया करके एक कैपेसिटर पे, हाई पावर कैपेसिटर पे गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा जाता है जो हमारा मेन ट्रांजिस्टर होता है, जो बूस्टिंग ट्रांजिस्टर होता है, उस पे जाता है। और इसको प्रोटेक्शन सिस्टम को चालू करने के लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया जाता है। ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने जब पीसीबी को पलटा जो देखा तो इसको पता चला इसका जो प्रॉब्लम है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ गौर कीजिए, ये वाला जो हमारा जो फोटो कपलर लगाया हुआ है ना, ये वाला फोटो कपलर के सामने जो हमारा एक वायर कनेक्शन जंपिंग दिया गया है, ये जंपर जाता है हमारा जो मेन फिल्टर होता है, मेन फिल्टर से पॉजिटिव से जाता है हमारा जो चौपर होता है, चौपर पे कनेक्शन पे। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो हमारा फोटो कपलर है, फोटो कपलर से स्पार्किंग होके ये वाला जो हमारा 350 वोल्ट जो होता है, वो 350 वोल्ट हमारा ये वाला जो हमारा फोटो कपलर होता है, फोटो कपलर पे स्पार्किंग कर गया है। और स्पार्किंग करने के बाद ही हमारा पूरी तरह से पावर डेड हो चुका है, और डेड होने के बाद ही हमारा ये वाला फ्यूज उड़ चुका है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को चेक करेंगे। पहले तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा फोटो कपलर होता है ये फोटो कपलर को चेंज कर दूँगा। मतलब इसको जो स्पार्किंग हुआ है, ये जो पॉइंट पे हमारा 350 वोल्ट का जो पॉइंट होता है, ये 350 वोल्ट का जो पॉइंट पे हमारा जो स्पार्किंग हुआ है फोटो कपलर पे, ये वाला हम फोटो कपलर को नया वाला लगा के रिप्लेस कर दूँगा। उसके बाद देखूँगा ये जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये शायद हमारा ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, ये हमारा 1015 का ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है। ये वाला 1015 का ट्रांजिस्टर पहले देख लूँगा, उसके बाद देखूँगा ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है। और ये वाला तो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए शॉर्टेज दिखा रही है। ठीक है, एक एक चीज़ को खोल के एक एक चीज़ को पार्ट को चेक करना पड़ता है। मतलब ये जो स्पार्किंग हुआ है कभी भी किसी भी पार्ट को ख़राब कर सकता है, इसीलिए एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करेंगे। पहले तो मैं ये इनपुट का जो मेन ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर को ओपन कर लूँगा, जो पावर ट्रांजिस्टर है इसको ओपन कर लूँगा। उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर को भी ओपन कर लूँगा, और ये दोनों फोटो कपलर और ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर जो 1015 का, ये वाला ट्रांजिस्टर को भी ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों ये वाला सिस्टम को देखूँगा, हमारा जो शॉर्टेज का दिखा रही है, ये वाला शॉर्टेज हमारा हटता है कि नहीं। जो हमारा हट जाएगा तो ठीक है, हमारा जो शॉर्टेज था वो शॉर्टेज हट गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला जो हमारा एक एक जो जेनर डायोड लगाया हुआ है, जो डायोड सिस्टम लगाया हुआ है, एक एक को चेक करना पड़ता है। ठीक है, मैं ये चीज़ को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद चेक करूँगा।
दोस्तों मैंने पूरी जो जो पार्ट्स को मैंने ख़राब बोला था वो वाला पार्ट्स को मैंने ओपन कर चुका हूँ। वो जो फोटो कॉपलर है फोटो कॉपलर को भी जो ओपन कर चुका हूँ और ये वाला ट्रांजिस्टर को भी ओपन कर चुका हूँ जो 1015 का था। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर था, ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा इसका नंबर है 2655 का, ये वाला ट्रांजिस्टर था। और ये वाला हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर, जो इनपुट ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर था। इस ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग शायद देख नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका नंबर था 5038 का, ये वाला 5038 का ये ट्रांजिस्टर था। दोस्तों मैंने जब चेक किया तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है, ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारा अभी तक ख़राब निकला। मतलब ये दोनों ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्टेज था, इसीलिए हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। आप लोग देखिए, जब ये बाजार बाज रहा था ना, ये वाला जो पावर सेक्शन पे बाजार बाज रहा था, अब ये शॉर्टेज जो था वो हट चुका है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन पे जो शॉर्टेज था वो हट चुका है। एक तो ये वाला ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है, छोटा वाला जो ट्रांजिस्टर था, वो ट्रांजिस्टर का नंबर आप लोग 2655 का 2655 वो जो ट्रांजिस्टर था, ये वाला ट्रांजिस्टर ख़राब था। और ये जो 5038 का, ये वाला भी ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये जो फोटो कॉपलर और ये जो छोटा सा ट्रांजिस्टर जो 1015 का होता है, ये वाला ट्रांजिस्टर को भी मैं चेंज कर दूंगा। मतलब दोस्तों ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट पे हमारा स्पार्किंग हो चुका है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। अभी तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये दोनों को भी चेंज कर दूंगा। और क्या करूँगा, ये जो अप साइड पे मेरा जम्पर था, ये जम्पिंग को खोल के मैं पीछे साइड से लगा लूँगा। मतलब ये जो पीसीबी से हमारा जो स्पार्किंग हो चुका है ना, ये वाला पॉइंट पे स्पार्किंग के जो पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा स्पार्किंग का पॉइंट है ना, ये कभी भी अभी और भी स्पार्किंग हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूँगा, ये जो जंपिंग पॉइंट दिया गया है, ये जंपर को मैंने हटा के पीछे साइड से जंपिंग कर दूंगा, तो ये जो स्पार्किंग का पॉइंट है ये हट जाएगा। ठीक है, मैं जंपिंग को ओपन करके मैं पीछे साइड से लगा लेता हूँ, और जो जो हमारा पार्ट्स ख़राब है उसको कनेक्ट कर देता हूँ नया वाला पार्ट से। ठीक है, मैं इसको कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने जो जो पार्ट को ओपन किया था वो नया वाला पार्ट लगा चुका हूँ। लगाने के बाद दोस्तों क्या देखता हूँ, मैं जो टीवी पे पावर देने के पहले मैं क्वांटिटी पे ये जो पावर कैपेसिटर पे शॉर्टेज दिखा रहा था, वो वाला प्रॉब्लम को चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वांटिटी आ रहा था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। मतलब दोस्तों हमारा पावर सेक्शन पे जो शॉर्टेज था वो शॉर्टेज नहीं है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, मैंने ये जो हमारा ESD को सप्लाई दिया जाता है, जो पॉइंट होता है, वो सप्लाई को मैंने ओपन कर दिया हूँ। इसको ओपन करके ये वाला जो रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट को मैंने ओपन कर दिया हूँ। और मैं एक 100 वाट लैम्प लगा चुका हूँ, जो हमारा वोल्टेज को चेक करने के लिए आसान होगा। उसके बाद दोस्तों क्या करूँगा, हमारा जो सिस्टम होता है, सिस्टम का जो जो वोल्टेज होता है, वो वोल्टेज को अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। जो हमारा 110 वोल्ट, जो हमारा 28 वोल्ट और हमारा 12 वोल्ट जो होता है, उसको चेक करेंगे। दोस्तों उसके लिए मैं पावर को इन कर देता हूँ। इन कर देने के बाद दोस्तों देखिए, हमारा जो LED जो लैम्प जल रहा है वो अच्छी तरह से नहीं जल रहा है, और जो वोल्टेज होना चाहिए वहाँ उस पर हमारा जो मतलब 110 तक वोल्टेज होना चाहिए, 120 वोल्ट तक, उसका वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों देखिए, ये हमारा माइनस का पॉइंट और ये हमारा प्लस का पॉइंट। दोस्तों देखिए, हमारा 233 वोल्ट आ रहा है। मतलब दोस्तों हमारा जहाँ पे 110 वोल्ट होना चाहिए उस पे हमारा वोल्ट आ रहा है, जो हमारा 33 वोल्ट। मतलब हमारा पावर सेक्शन का जो शॉर्टेज था वो तो सही हो गया है, लेकिन पावर सेक्शन पे कुछ फॉल्ट अभी तक रह गया है। उसके लिए मैं जब चेक किया तो पता चला, इस वाला जो हमारा फोटो कॉपलर पे जो स्पार्किंग हो गया था, उस पे एक जेनर डायोड लगाया हुआ है। जो जेनर डायोड आप लोगों को दिखा देता हूँ, दोस्तों देखिए,
इस वाला जो हमारा फोटो काबलर है, फोटो काबलर के ठीक सामने ही एक एक जेनर डायोड लगाया हुआ है। वो जेनर डायोड हमारा चेक किए खोल के चेक करना पड़ेगा। ये वो आप साइड से जो वोल्टेज है वो, सॉरी दोस्तों, इस वाला जेनर डायोड नहीं है। इस वाला जो जेनर डायोड है, जिस तरह हमारा स्पार्किंग हुआ था उस वाला पॉइंट पे हमारा देखिए एक जेनर डायोड दिया गया है जो 41-48 का। ये वाला जेनर डायोड हमारा ख़राब दिखा रहा है। इसको ओपन करके मैं चेंज करूँगा। चेंज करने से पता चलेगा हमारा जो पावर सेक्शन का वोल्टेज जो ड्रॉप है वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, हमारा जो जेनर डायोड था, ये वाला जेनर डायोड था, ये जेनर डायोड का हमारा नंबर है 41-48 का। ये वाला जेनर डायोड इस वाला पॉइंट पे था जो हमारा फोटोकॉपलर के ठीक सामने का जो जेनर डायोड है ये वाला पॉइंट पे था। और ये वाला जेनर डायोड हमारा ख़राब हो चुका है, इसीलिए मैं नया वाला लगा चुका हूँ। ये वाला डायोड हमारा ख़राब था। उसके बाद दोस्तों देखिए, हमारा जो 110 वोल्ट के जगह पे हमारा 33-35 आ रहा था, वो वाला वोल्टेज देखेंगे। और दोस्तों, मैं पावर देने के बाद देखिए हमारा जो लैम्प लगाया हुआ है वो अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है, मतलब हमारा वोल्टेज आने चाहिए। उसके लिए दोस्तों देखिए हमारा मीटर पे, इस वाला पॉइंट पे देखिए हमारा 111 वोल्ट आ चुका है, 110 के जगह पे 111 आ चुका है। दूसरा पॉइंट पे देखिए हमारा जो 27 वोल्ट आ चुका है, और ये हमारा 12 वोल्ट का जो कनेक्शन है जो हमारा रेगुलेटर के लिए, और ये वाला हमारा साउंड सेक्शन के लिए। दोस्तों, हमारा जो पावर सेक्शन का आज का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। फिर से एक बार बता दूँ कहाँ प्रॉब्लम था। हमारा फोटो कबलर के ठीक सामने, जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट हमारा आप साइड से हमारा फ्लैशिंग हो चुका था। जो हमारा जंपिंग दिया गया था वो पीसीबी से फ्लैशिंग होने के कारण हमारा जो फोटो कबलर था और ये जो हमारा ट्रांजिस्टर था, ये ट्रांजिस्टर से जो फ्लिप आता है वो फ्लिप का प्रॉब्लम आया था। और इसीलिए हमारा ये वाला जो हमारा छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया गया है वो ट्रांजिस्टर और हमारा ये वाला जो छोटा सा ट्रांजिस्टर दिया गया था वो वाला ट्रांजिस्टर उड़ गया था। ये इसका नंबर था 26-55 का। और ये वाला जो हमारा पावर ट्रांजिस्टर होता है 50-83 का, ये वाला ट्रांजिस्टर शॉर्टेज होने के कारण हमारा जो मेन फिल्टर होता है, मेन फिल्टर पे शॉर्टेज दिखा रहा था। और ये दोनों जो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर और फोटोकॉपलर को भी मैंने चेंज कर दिया हूँ। और उसके सामने ठीक सामने एक जेनर डायोड था, वो जेनर डायोड को भी मैंने चेंज कर दिया हूँ, ये शॉर्टेज था। और उसके बाद हमारा जो पावर सेक्शन का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। और हमारा जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम था वो भी ठीक हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।